वेलकम टू चैनल न कुमार और यहाँ हाँ पी सेकंड सी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हमारी फिफ्थ यूनिट चल रही है सॉलिड स्टेट और जिसमें आज का टॉपिक है आपका लॉ तो हम लॉ देखने वाले हैं उसका डेरीवेशन करेंगे ठीक है चलिए सीखते हैं आज का टॉपिकलो तो ये ब्रैक्सलो है क्या ठीक है और ये क्यों आया कहाँ से आया हम सब डिस्कस करेंगे तो एक साइंटिस्ट थे वॉन लोई ठीक है एक साइंटिस्ट थे वॉन लोई तो उन्होंने क्या किया उन्होंने ये बताया कि जो आपका डिफ्रेक्शन है डिफ्रैक्शन फिजिक्स में आप पढ़ते हो डिफ्रैक्शन मतलब कोई भी जो लाइट वेव्स है या साउंड की वेव्स होती है अगर वो अपने जो पाथ से ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है डिफ्रेक्टेड हो जाती है यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं डिफ्रेक्शन ठीक है तो वो उन लोगों ने बताया कि जो डिफ्रेक्शन है वो सॉलिड में भी हो सकता है यानी कि क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल में भी हम देख सकते हैं डिफ्रेक्शन को जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है यानी कि एक्स रे कोई रे है एक्स रेज आप रेज पढ़ते हो बहुत सारी रेज होती है हमारे पास तो हम उसमें एक्स रेज ले रहे हैं तो एक्सरे क्या हो रही है जब हम किसी सॉलिड सरफेस पे डालेंगे सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड क्रिस्टल की सरफेस पे अगर आपकी एक्सरे आई सॉलिड एक्सरे आई आपकी सॉलिड सरफेस पे तो वो भी क्या होगी डिफ्रेक्शन शो करता है ये बताया वॉन लो ने ये कॉन्सेप्ट दिया वॉन लो ने उन्होंने ये बताया कि एक्सरे जो है डिफ्रेक्टेड हो जाती है किसकी सरफेस से सॉलिड की सरफेस से ठीक है उन्होंने इसको बता दिया फिर उसके बाद और ये ऐसा क्यों होता है ऐसा होता है क्योंकि जो सॉलिड जो हम सॉलिड्स में पढ़ रहे हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग ठीक है इंटरप्लेनर स्पेसिंग और जो लाइट uh, रेज आती है आप लाइट रेज डालोगे जो आपने ली हुई है एक्स रेज उसकी जो वेव लेंथ है ठीक है यानी कि सॉलिड की तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग और जो आपने वे जो रेज ली है उसकी क्या वेव लेंथ दोनों में क्या है सिमिलैरिटी है यानी कि कंपेरेबिलिटी है तुलना तो आप कर सकते हो ठीक है तो इस वजह से क्या है वो जो सॉलिड्स हैं वो अपना डिफ्रैक्शन शो करती हैं ठीक है ठीके? तो अब ये वो कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया वो उन लोगों ने लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया ब्रैक्स ने ब्रैक्स भी एक साइंटिस्ट है तो ब्रैक्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली शो किया और उन्होंने कौन से क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल पे ये शो किया है उन्होंने लिया है सोडियम क्लोराइड एन क्रिस्टल ठीक है तो एन के क्रिस्टल पे पर क्या किया एक्सरे डाली और देखा कि उसने क्या किया डिफ्रैक्शन शो कर दिया है उसने डिफ्रेक्शन शो कर दिया है तो वहीं से ये लो आया कि ब्रैक्स लो ये लो दिया किसने दिया ये लो ब्रेक्स ने ब्रैक्स ने ड्राइव कराई ये तो उसका नाम पड़ गया ब्रैक्स लो ठीक है तो लो यही है देखते हैं कि दो प्लेन हैं उनके बीच में इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस दी हुई है आपको ठीक है इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस निकालनी हो जब तब के आपको थीटा भी दिया हो ये सब आप देखोगे ठीक है उन्होंने एक अपनी इक्वेशन है ब्रेक्स इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं और उसका डेरिवेशन देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो, तो पहले लिख लेते हैं इसके बारे में ठीक है जो हमने अभी समझा उसे एक बार लिख लेते हैं ठीक है चलिए चलिए देखते हैं क्या कहता है ये लो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो लो क्या कहता है देखो वोन लो जो वोन लो है उन्होंने सबसे पहले क्या किया भी आपको बताया कि वोन लोई ने क्या किया रिलाइज किया दैट एक्सरे कैन बी वेल डिफ्रेक्टेड बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो वोन लोई है अभी आपको बताया उन्होंने ही क्या ये ये क्या किया रिलाइज किया उन्होंने ही ये प्रूफ किया कि जो प्रूव नहीं उन्होंने ये रिलाइज किया उन्होंने ये खुलासा किया इस बात का कि जो एक्सरे हैं वो डिफ्रेक्टेड हो सकती हैं किससे क्रिस्टलाइन सॉलिड की सरफेस से भी ठीक है अब देखते हैं सॉलिड्स एंड ड्यू टू द कंपैरेबिलिटी और किस वजह से हो सकता है ये ये काम किस लिए होता है ये किस वजह से होता है आपका तो ये होता है आपका इस वजह से कि कंपैरेबिलिटी है किसमें वेवलेंथ वेव लेंथ में और इंटरप्लेनर डिस्टेंस में ठीक है जो आपका वेव लेंथ है यानी कि लैमडा और इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस है ठीक है उनके बीच में क्या है कंपेरेबिलिटी है इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होता है जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया था आपने और वेव लेंथ होता है आपका लैमडा तो ठीक है उनके बीच में क्या है कम्पेरेबिलिटी है इस वजह से ये होता है ठीक है वो आप देखोगे अभी लैमडा और डी के बीच में ही रिलेशन आएगा फिर ब्रैग ने वापस से क्या किया उन्होंने तो बस ये बात क्या की कि, रिलाइज किया ओपन कर दी लेकिन ब्रैग ने इसे क्या करा एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया किस पर प्रूव किया उन्होंने उन्होंने एक्सरे को डिफ्रेक्ट किया किस पर सोडियम क्लोराइड की सरफेस से ठीक है एंड एक्सरे विच रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द सर्फेस उन्होंने बोला कि एक जो एक्सरे है जो क्या करती है रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सब्स्टेट वो क्या सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस है उसकी सरफेस से क्या होगा एक्सरे रिफ्लेक्ट करेगी ठीक है हैज स्ट्रबल्ड वो कम चलती है जैसे कोई आपका सब्सटेंस है ये आपका सब्सटेंस है कोई सपोज करिए तो एक्सरे आई ठीक है और वो रिफ्लेक्ट हो गई डिफ्रेक्शन हो गया ठीक है तो एक्स रे विच रिफ्लैक्ट्स फ्रॉम अ प्लेन जो रिफ्लेक्ट हो रही है किसी भी सॉरी विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम द विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ ट्रेवल लेस तो इसने तो कम दूरी चली है लेकिन किसकी कंपेरिजन में दैन ए एन एक्सरे विच रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ प्लेन ऑफ एटम्स इनसाइड द क्रिस्टल कोई भी एक एक्सरे आएगी एक तो बाहर से सरफेस से चली गई एक अंदर भी जाएगी इसके इस तरह से रेज़ हैं बहुत सारी रेज निकल रही है कोई आपका लाइट सोर्स है उससे भी बहुत सारी रेज निकल रही है हमें नहीं पता कितनी रेज निकल रही है लेकिन बहुत सारी सो so मैनी रेज निकल रही है तो यहाँ पर क्या हुआ जैसे एक रेज तो आ, इसकी सरफेस से टकराई और वापस चली गई लेकिन एक रेज क्या है इसके अंदर घुसी अंदर गई ठीक है अंदर घुसना यानी कि पेनिट्रेट पेनिट्रेट कर गई अंदर पेनिट्रेट करके तब वापस आई तो वो बोल रहे हैं अब आप देखो एक रे तो इतना ही चली एक रे और ये कितना चली है तो डिस्टेंस किसके किसकी ज़्यादा हुई इसकी ज़्यादा हुई तो वही बात बोली उन्होंने कि जो एक एक्स एक रे है जो सरफेस से सब्सटेंस की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है वो कम चलती है इन कंपैरिजन टू तो जो कि क्या करती है एक्सरे अंदर जाती है एटम के अंदर इन द क्रिस्टल ठीक है वो जो कि अंदर जाती है उससे कम ट्रेवल करती है ठीक है तो अब देखते हैं नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि द पैनी ट्रेटिंग एक्स रेज पैनी ट्रेटिंग एक्स रेज कौन सी होती है जो अंदर जा रही है, अंदर वाली जो अंदर घुसती हैं भेद करके भेद मतलब अंदर भेद करके आती हैं ठीक है ठीके? नुकीली सपे सपोज कर सकते हो या फिर कुछ भी कोई चीज़ है वो अंदर तक जा रही है ठीक तो है तो द पैनी ट्रेटिंग यानी कि अंदर वाली जो एक्स रेज है ट्रेवल्स डाउन टू द इंटरनल लेयर वो क्या करती है इंटरनल लेयर के डाउन नीचे कर क्या करती है ट्रेवल करती है और रिफ़्लेक्ट होती है और फिर क्या करती है ट्रेवल बैक वापस से आ जाती है ओवर द सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस से ही बिफोर बीइंग बैक एट द सरफेस जिस डिस्टेंस से वो क्या गई थी सरफेस से गई थी उसी डिस्टेंस से क्या हो जाएगी सरफेस पर वापस आ जाएगी ठीक है फिर नेक्स्ट है कि जो डिस्टेंस है किसकी डिस्टेंस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन जो डिस्टेंस है किसकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लेयर्स के बीच में जो आपकी मान लीजिए आपकी लेयर्स हैं ठीक है ठीके? अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ये कॉन्सेप्ट ये तो मैंने आपको लिखा दिया लिखने के लिए आए तो आपको ये पता होना चाहिए पॉइंट्स कैसे लिखने हैं ठीक है ठीके? कैसे लिख क्योंकि समझना अलग बात है ठीक है लेकिन उसको लिखना अलग बात है तो लिखना भी आना चाहिए आपको इसलिए मैंने लिख के पॉइंट्स दिखाए हैं बाकी अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है इतना टफ है नहीं आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो ठीक है तो डिस्टेंस ट्रेवल डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन ये जो डिस्टेंस चल रहा है वो किस पे द तो डिस्टेंस ट्रेवल डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन ऑफ द लेयर जितनी भी जो डिस्टेंस चलेगी यानी कि एक्सरे आई एक्सरे आई मेटल पे टकराई एक्सरेज आई मेटल मेटल बोल रही हूँ किसी भी क्रिस्टल से टकराई उसके सरफेस से और क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई तो उसने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है ये डिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आपकी सेपरेशन ऑफ लेयर्स अब दोनों लेयर के बीच में सेपरेशन कितना होता है कल ही पढ़ा था हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी ठीक है उसको डी से रिफाइन करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करती है एक तो किस, किस पर डिपेंड करती है सेपरेशन पे लेयर की सेपरेशन पे डिपेंड करती है किस क्या डिपेंड करती है एक्स रेज की डिस्टेंस एक्स रेज ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो किस बात पे डिपेंड करती है वो तो डिपेंड करती है एक तो सेपरेशन पर हमने कल पढ़ा इंटरप्लेनर स्पेसिंग जिसे बोलते हैं और किस बात पे डिपेंड करती है एंड द एंगल एट विच एक्स रे एंटर द मटीरियल और उस एंगल पर जिससे क्या होगा यानी कि इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हो उस एंगल से जिससे क्या हुआ एक्स रे ने मैटर पर एंटर किया था द एंगल एट विच एक्स रे एंटर द मटीरियल जिस एंगल से एक्सरे ने मटीरियल के अंदर एंटर किया था ठीक है ये मानिए कोई भी मटीरियल है इस पर एक्सरे आई ठीक है और फिर क्या हो गई डिफ्लैक्शन हो गया रिफ्लेक्ट होके डिफ्लेक्ट हो गई ठीक है यहाँ पे क्या हुआ इसने जो डिस्टेंस चली है ये चे? आगे देखो जितनी अंदर तक गया है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कित किस बात पे डिपेंड करती है एक तो जो दो लेयर हैं उनकी सेपरेशन पे ठीक है ये उनकी सेपरेशन पे ठीक है इन दोनों के बीच के जो सेपरेशन है यानी कि डीपर और दूसरा जिस जिस एंगल से ये क्या हुआ है इसने मैटर के अंदर एंटर किया है यानी कि ठीठा पर ठीक है तो फॉर दिस वेव टू बी इन फेज विद द वेव विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस इट नीड्स टू हैव ट्रेवल्ड ए होल नंबर ऑफ वेवलेंथ लेंथ वाइल इनसाइड द मटेरियल अब इस बात का क्या मतलब है कुछ नहीं है बहुत ही इजी है ये बोल रहे हैं कि फॉर दिस वेव इस वेव के लिए क्या होगा टू बी इन द फॉर दिस इसके लिए वेव टू बी इन द फेज विद द वेव जो वेव आ, आ रही है आपकी वो क्या होना चाहिए उसी फेज में होनी चाहिए उस वेव के फेज में होनी चाहिए विच रिफ्लेक्ट जो रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द सरफेस जो सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है उसी की फेज में होनी चाहिए दूसरी वेव भी आपकी एक वेव आपकी पेनिट्रेटिंग वेव है और मतलब जो अंदर, अंदर तक अंदर तक जा रही है जैसे ये ठीक है एक तो सरफेस से लौट रही है एक अंदर जाके तब हो रही है डिफ्रेक्ट ठीक है तो ये बोल रहे हैं कि जो ये वाली फेज है इसका ये क्या सॉरी ये वाली जो वेव है ये भी इसके इस वाली वेव के ही फेज में होनी चाहिए ठीक है सफेद इट नीड्स टू हैव ट्रबल्ड अ होल नंबर ठीक है फ्रॉम द सर्फेस इट नीड्स टू हैव अ ट्रबल्ड अ होल नंबर इसी के फेज़ में होनी चाहिए और और क्या होना चाहिए ये जितना भी ट्रेवल करेगी वो क्या होना चाहिए एक होल नंबर यानी कि इंटीज़र होना चाहिए इंटीज़र को ही तो बोलते हैं हम होल नंबर इंटीज़र को ही तो बोलते हैं हम क्या होल नंबर तो एक होल नंबर होनी चाहिए और जो किसका मल्टीपल होना चाहिए ऑफ द वेव लेंथ इन साइड द मटेरियल जो किसका मल्टीपल होगा वेव लेंथ का यही तो बात हमने लिखी है देखो एन क्या है आपकी डिस्टेंस हो गई ठीक है जो कि इंटीज़र है डिस्टेंस हो गई जो वे एक्सरे रे है एक्स ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो क्या है आपका एक्सरे ने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो आपका है एन ठीक है और एन क्या है एक होल नंबर है यानी कि इंटीजर है और वो किसका मल्टीपल है जितनी आपकी वेवलेंथ होगी उस रेज की ठीक है और ये दोनों किसके इक्वल होंगे किसके बराबर है अभी हमने देखा एक तो किस पर डिपेंड करते हैं ये दोनों एक डिपेंड करते हैं इंटर स्पेसिंग पर यानी कि सेपरेशन पर और दूसरा करते हैं ये जिस एंगल से वो एंटर हुई है मेट मेटल के या फिर मटेरियल के या फिर सॉलिड या फिर क्रिस्टल के सरफेस में ठीक है तो उस एंगल से तो ये इसी तरह फिर यहाँ पे क्या हुआ ये सब पॉइंट्स तो नोट आउट होते गए फिर फा, फाइनल में जाके ब्रैग ने क्या किया इन सब बातों को एक इक्वेशन में एक्सप्रेस्ड कर दिया इन सब बातों को एक इक्वेशन में एक्सप्रेस कर दिया ठीक है समझो बात को सबसे पहले ये लोग क्या हो रहा है सबसे पहले बोन लो साइंटिस्ट आए उन्होंने उन्होंने बस ये बात रखी अपनी बात कही कि जो एक्स रेज हैं उनका डिफ्रेक्शन सॉलिड सरफेस से भी हो सकता है ठीक है और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि जो उस सॉलिड सरफेस पे कि जो में जो आपके सॉलिड सरफेस में जो इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस है वो और जो एक्स रेज हैं उनकी वेव में सिमिलरिटी है यानी कि कंपेरेबिलिटी है ठीक है बस उन्होंने ये बात कह दी फिर ब्रैक्स साइंटिस्ट हैं तो उन्हें ये बात यहाँ से उन्हें ये बात मिल गई यहाँ से उन्होंने क्या किया इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और फाइनल में उन्होंने क्या हुआ एक्सपेरिमेंट लिए प्रूव कर दिया कि सोड और किस पर किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक से उन्होंने एक्सरे को डिफेक्ट कर दिया ठीक है अब यहाँ से फिर उन्होंने जब रिफ्लेक्शन कर दिया आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स देने स्टार्ट किए उन्होंने जो अपना ऑब्जर्वेशन था वो यहाँ पे लिखा कि जो एक एक्स रे है वो रिफ्लेक्ट करिए सरफेस से एक एक्स रे है एक एक, एक रे तो क्या करिए सरफेस से क्या कर रही है स्ट्राइक करके डिफ्लैक्ट हो रही है दूसरी एक्सरे आ रही है अंदर घुस के अंदर वाली सरफेस पर जाके तब कर रही है लेकिन दोनों क्या है दोनों के बीच में क्या होगी जो डिस्टेंस है वो वो सेम रहेगी ठीक है ये बात कही उन्होंने तो फिर उन्होंने सेकंड बात ये बोली कि जो पेनिट्रेटिंग एक्सरे यानी कि अंदर जाने वाली जो एक्सरे है वो क्या होगी ट्रेवल्स करेगी डाउन टू द इंटरनल लेयर वो बात हमें पता ही है कि जो अंदर जाने वाली लेयर है वो तो नीचे ही नीचे की तरफ क्या करेगी यानी कि इंटरनल लेयर में क्या करेगी ट्रेवल करेगी और फिर रिफ्लेक्ट करेगी और ट्रेवल करेगी बैक ओवर द सेम डिस्टेंस और ट्रेवल करेगी वापस जैसे ये पहली वाली रे आपकी ऐसे गई आ, ऐसे आई ऐसे गई तो दूसरी वाली भी सेम इसी डिस्टेंस से क्या होगी वापस चल जाएगी ठीक है अब देखो ये बातें हो गई फिर एक उन्होंने बात कही कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है किसने डिस्टेंस एक्सरे की बात करें हम एक्सरे ने जितने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किए वो किस पर डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है सेपरेशन पे यानी कि लेयर्स के बीच में इंटर स्पेसिंग या सेपरेशन एक ही बात है डीपर और उनके एंगल थीटा पर ठीक है तो फिर उस, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो वेव है वो वेव एक तो क्या अंदर वाली जो वेव है वो बाहर वाली जो वेव है उसके साथ फेज़ में होनी चाहिए उनके जैसे फेज़ में होना चाहिए और उसके बाद उन्होंने बोला कि वो रिफ़्लेक्ट करनी चाहिए फ्रॉम द सरफेस इट नीड्स टू हैव ट्रेवल्ड अ होल नंबर और क्या होना चाहिए वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अच्छा डिस्टेंस क्या होता है जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो एक इंटीज़र होना चाहिए और इंटीज़र यानी कि होल नंबर यानी कि एन हो गया वो होगा कितना डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच में जो एक्स रेज ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट किया है इंटीजर से ठीक है वो किसका मल्टीपल है और वेव का वेव किसका उसी एक्स रेज की वेव का यानी कि एन एन क्या हो गया आपका इंटीजर और लैमडा क्या हो गया उस, उसकी वेव दोनों का मल्टीपल हो गया और वो डिपेंड किस पे करता है इंटरस्पेसिंग और ठीठा के बीच पर तो फिर फाइनल में जाके ब्रैक्स ने एक्सपेरिमेंट लिए प्रूव किया अपनी एक इक्वेशन लाई वो इक्वेशन है एंड लेमडा बराबर टू डी साइन थीटा यहाँ पर आपका लैमडा क्या वेवलेंथ है वेव लेंथ है रेस की थीटा क्या है एंगल है इंसिडेंट एंगल और जो आपका सरफेस ऑफ द अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी क्योंकि इंसिडेंट एंगल को ही थीटा समझ लेते हैं ऐसा नहीं है ठीक है अभी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा दा, हम डायगामेटिकली समझेंगे इस सारे प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं ठीक है थीके? और डी क्या है आपका स्पेसिंग है और एन क्या है आपका इंटीजन यानी कि होल नंबर है अब एक बार पहले ये नोट डाउन कर लीजिए फिर डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं चलिए देखते हैं ठीक है ये आपका डायग्राम कुछ है सार? ये आपकी जो है ये वाली रे ये आपकी इंसीडेंट रे इंसीडेंट रे वन इसको वन मान सकते हो इस ये हो गया आपकी इंसीडेंट रे सेकेंड यानी कि ये वाली रे आपकी इंसीडेंट रे वन हो गई ये इंसीडेंट रे टू हो गई अभी इंसीडेंट रे मतलब ये रे आई है तो एक जाएगी भी यानी कि रिफ्लेक्टेड होगी तो ये क्या होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे वन और ये क्या होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे टू ठीक है रिफ्लेक्टेड रे टू ठीक है और आपको पता है आपने फिजिक्स में टेंथ क्लास में भी पढ़ा होगा ये क्या है आपका इंसिडेंट रे तो ये वाला एंगल यहाँ पे ये क्या होता है आपका नॉर्मल ये एंगल होता है आपका आई ठीक है और ये एंगल होता है आपका आर ठीक है यहाँ पे लिख लीजिए जो आपका एंगल आई है वो होता है आपका इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट एंगल एंड एंगल R जो होता है आपका क्या होता है रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल ठीक है ये होता है आपका ठीक है अब देखो यहाँ पे ये जो है ये वाला एंगल ये कौन सा ये वाला ये थीटा और ये वाला एंगल ये क्या है आपका ये भी थीटा है ये कौन सा एंगल है ये कौन सा एंगल है ये एंगल है आपका ये एंगल है आपका जो इंसिडेंट एंगल है यानी कि इंसिडेंट रे है उसके बीच में और किसके बीच में एंगल बन रहा है ये ये एंगल बन रहा है आपका जो सरफेस है किसकी सरफेस है एटम्स की सरफेस के बीच में ठीक है यानी कि आप लिख सकते हो कि जो एंगल थीटा है वो क्या है आपका एंगल बिटवीन बिटवीन द इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे एंड किसके बीच में है इंसीडेंट्री एंड सरफेस ऑफ द क्रिस्टल सरफेस ऑफ द क्रिस्टल और क्रिस्टल की सरफेस के बीच में ठीक है सरफेस लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो सरफेस की जगह आप ये भी लिख सकते हो सर चलो ठीक है सरफेस ही लिख लो ठीक है कन्फ्यूजमन चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे समझिए इस बात को अब देखो ये जो आपका है ये वाला ये इंसिडेंट रे यहाँ पे भी नॉर्मल मान लीजिए ये क्या होगा आप इसका आई और ये हो गया इसका आर और ये वाला होगा थीटा और ये वाला भी क्या होगा थीटा तो कन्फ्यूज मत होना आई अलग है आई इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट एंगल है सॉरी लेकिन थीटा अगर थीटा बोला जाए तो थीटा ये वाला एंगल है आपको डायग्राम के थ्रू समझना है ये वाला थीटा नहीं है कन्फ्यूज नहीं होना ये वाला तो आई है जो नॉर्मल से है थीटा आपका नीचे वाला होगा जो सरफेस से बना होगा ये वाला थीटा होगा हमेशा याद रखना है थीटा आपका ये वाला है जो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में बन रहा है ठीक है तो यहाँ से देखिए एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम तो उसने यही बोला है कि जो ये है ये रे आ रही है इसने ये देखो ये यहाँ तक चली चलो पहले एक और इसका कंक्लूज़न निकलेते फिर समझाती हूँ यहाँ पे देखो ये वाला पूरा राउंड एक चक्कर आपको पता ये कितने का होता है थ्री सिक्सटी का और अगर कोई यहाँ पर है यहाँ से यहाँ ये वाला एंगल कितना होता है ये वाला ये कितने का होता है वन एट्टी का ये है आपका ये वाला एंगल कितना होता है वन एट्टी डिग्री का यहाँ पर देखो ये पूरा एंगल ये पूरा एंगल कितने का है मैं डबल लाइन से नोट कर रही हूँ ये कितने का होगा वन एट्टी का कितने का होगा वन एट्टी डिग्री का तो यहाँ से कंक्लूज़न ये आता है कि अगर इन सबको एंगल को एंगल ठीटा प्लस एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ठीटा ये निकालोगे तब 180 के इक्वल है अगर आपको दो या तीन पता है एक निकालना हो, तो ये ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो कि एंगल ठीटा प्लस एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ठीटा बराबर होता है वन डिग्री के ये यहाँ से कंक्लूजन है ठीक है ये रहा ठीक है चलिए पहले एक बार ये डायग्राम बना लीजिए फिर देखते हैं कि ब्रैक्स लो आया कहाँ से इसको कैसे उन्होंने डिफाइन की इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन है आपकी इक्वेशन भी लिख लीजिए अगर याद नहीं है तो आपको एन लैमडा इज इक्वल टू टू डी साइन ठीक ठीक है आपको निकालना आ सकता है क्या अगर एन दे दिया उसने और लैमडा दे दिया और आपसे पूछा क्या थीटा दे दिया एन दे दिया लेमडा दे दिया और थीटा दे दिया और डी निकालना है तो आप निकाल सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है चलिए एक बार नोट डाउन करिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं ब्रैक्सलो का ठीक है ये आया कहाँ से है, ठीक है चलिए एक बार देख लेते हैं तो जो ब्रैक्स स्लो है वो ये कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है ये वाली और ये जा रही है ठीक है रिफ्लेक्टेड ये भी इंसिडेंट तो ये क्या होगा इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी ये जिस जिन जितनी इनके बीच में डिस्टेंस है उतनी नेक्स्ट वाले में होगी ठीक है और ये वाला जो आपका क्या है आपका एटम्स का सरफेस है ठीक है उसके अंदर किसके अंदर बता रहे हैं हम क्रिस्टल के अंदर उनकी स्पेसिंग कितनी होगी सेम होगी हमेशा यानी कि डी की वैल्यू यानी कि इंटर स्पेसिंग की वैल्यू हमेशा क्या होगी सेम होगी ठीक है डी हमेशा सेम रहेगा ठीक है उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो इंसिडेंट रे वन है और इंसिडेंट रे टू है या थ्री फोर कितनी भी आ जाए वो सारी क्या होंगी पैरेलल होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो क्या होगा दोनों के यहाँ पे नाइन्टी का एंगल बनाएंगी दोनों के बीच में ये बात बताई गई फिर दूसरा हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि वो क्या करती है एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलती है कौन सी पेनेट्रेटिंग जो आपकी रे होती है रे होती है तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलेगी कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलेगी ये ए बी प्लस बी सी कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रही है ये और डिस्टेंस क्या होती है एक इंटीज़र होता है आपका यानी कि जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से तो यहाँ पर देखिए इसका यानी कि फर्स्ट आपकी कंडीशन क्या आती है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है लेने वो किसके इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी के एक्स्ट्रा डिस्टेंस के समझ रहे हो जो आपका एन है वो किसके इक्वल होगा वो किसका मल्टीपल है अच्छा इंटी, इंटी ये जो है आपका इंटीजर एंड वो मल्टीपल किसका है लैमडा का आपने अभी पढ़ा है और वो किसके इक्वल होता है डिस्टेंस की एक्स्ट्रा डिस्टेंस की और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है आपकी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी चलिए ये रेने यहाँ तक चलिए यानी कि यहाँ तक मान ये हो गया इसका पॉइंट ये इसका तो इसने कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस की है ये ए बी और बी सी ये इसकी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी इसे इक्वेशन नंबर वन बोल दिया गया ठीक है नेक्स्ट टर्न पे उन्होंने ये बात कही है ठीक है चलिए अब कौन सा अब एंगल देखेंगे कौन से ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी जेड में देखें तो ए बी जेड में देखो जरा ए बी जेड ये जो ए बी जेड है ये वाला जो बी जेड है बी जेड की वैल्यू कितनी आ गई डी आएगी ठीक है और ये क्या है आपका नाइन्टी डिग्री और ये क्या है आपका थीटा तो थीटा जस्ट किसके सामने आ रहा है थीटा जस्ट सामने किसके आ रहा है ए बी के ठीक है जस्ट सामने किसके है थीटा ए बी के ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि क्या करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में होगा हम यूज़ करेंगे टिग्नोमेट्री थ्योरम का और डी को क्या मानेंगे हाइपोटेन्यूज़ मान लेंगे ठीक है हाइपो हाइपोटेन्यूज़ मान लेंगे इसको डी को और हम ट्राइंगल हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है जो कि एक राइट एंगल है राइट ट्राइंगल है ए बी जेड ठीक है नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रहा है ना तो अब हम अपना टिग्नोमेट्री थ्योरम यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे किसकी ए बी की क्योंकि ए बी क्या है जस्ट थीटा के सामने तो ए बी की वैल्यू निकालना इजी होगा ए बी आ जाएगा आपका डी साइन थीटा ठीक है ए बी आ जाएगा आपका डी साइन थीटा टिग्नोमेट्री थ्योरम से क्योंकि आपका ये राइट एंगल है इस तरह देखो ये ए बी डी और जेड ठीक है ये आपका डी दिया हुआ है ये थीटा है और ये आपका ये है तो थीटा जस्ट किसके सामने आ रहा है ए बी के तो हमने ए भी निकाला ए भी आ गया आपका डी साइन थीटा, कितना आ गया डी साइन थीटा, अब आपको पता है क्या हमने एक और पॉइंट पढ़ा है अभी हमने ब्रैक्स लो के कुछ पॉइंट्स लिखे थे उस पॉइंट्स में ये था कि जितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस से क्या हो रही है सरफेस के अंदर आ रही है आ रही है एंटर कर रही है उतनी ही डिस्ट उतनी ही डिस्टेंस से क्या करेगी बाहर जाएगी यानी कि कुल मिला के बात ये बोली गई है कि ए बी जितनी है उतनी ही बी सी है अगर ये उसमें फाइव सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चलिए तो ये भी फाइव सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ही ये भी फाइव सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चल के बाहर भी निकलेगी यानी कि क्या बात तो की है उसने कि चूंकि ए बी बराबर किसके हैं बी सी के हैं इसीलिए इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन में क्या हो जाएगा एन बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए बी यानी कि हो गया एन बराबर हो गया आपका टू ए बी ठीक है इसे इक्वेशन नंबर क्या कह दो थर्ड कह दो क्या कह देंगे इसे इक्वेशन नंबर थर्ड कह देंगे अब हम क्या कर सकते हैं अब चूंकि ए बी बराबर क्या है आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन टू ए बी बराबर कितना है डी साइन theta so सो ऑन पुटिंग ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड थर्ड में ये पुट कर देंगे तो एन बराबर कितना आ गया क्या हो जाएगा टू इन टू ए बी की जगह क्या आ जाएगा डी साइन theta डी साइन theta तो एन बराबर कितना आ गया आपका एन बराबर टू डी साइन थीटा कितना आ गया आपका एन बराबर टू डी साइन थीटा एन बराबर टू डी साइन थीटा ठीक है ये क्या हो गया आपकी ब्रैक्स इक्वेशन ये क्या हो गया आपकी ब्रैक्स लो या ब्रैक्स इक्वेशन ये तो है आपकी ब्रैक्स इक्वेशन और जो हमने स्टेटमेंट लिखे हैं वो है आपका ब्रैक्स लो और जो ये हमने ये वाला डायग्राम ये तो आएगा आपका किसमें ब्रैक्स लो अगर आपको आता है ब्रैक्स लो लिखना लिखने के लिए कि ब्रेक्स लो लिखिए तो आप जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो ब्रेक्स ब्रेक्स लो के पॉइंट्स लिखेंगे उसके बाद ही डायग्राम बना के इतना बना के छोड़ देंगे और अगर कहता है कि ब्रेक्स लो लिख ब्रैक्स लो लिखिए और ब्रैक्स इक्वेशन ये तो है आपकी ब्रैक्स इक्वेशन ठीक है ब्रैक्स इक्वेशन और ब्रैक्स लो आए तो ब्रैक्स लो लिखिए ब्रैक्स इक्वेशन लिख के ये डायग्राम बनाकर बस इतना छोड़ दीजिएगा अगर आए डेरिवेशन तो डेरिवेशन में आपको ये डायग्राम बनाना है और फिर आपको डेरिवेशन में बस ये पॉइंट्स लिख देने हैं क्योंकि एन बराबर किसके हैं और क्यों है रीज़न आपको सारे लो में दिए गए हैं कि एन बराबर सब पूरा एक एक जो लाइन्स लो में है बस उन्हें हमने क्या किया अपने नुमरल फॉर्म में लिख लिया और इसको क्या किया सॉल्व कर लिया तो ये आ, आ गई है आपकी ब्रैग्स इक्वेशन ठीक है ये किसने ड्राइव किया है ब्रैक्सलोक से हमने क्या किया ब्रैग स्लो हैज़ बीन ड्राइवड ये ब्रैग स्लो ड्राइव्ड हो गया है ठीक है और ये जो डेरीवेशन थी वो किस किसकी डेरीवेशन की हमने ब्रैग्स लो की और किसने की है ये एक साइंटिस्ट थे डब्ल्यू एच ब्रैग ठीक है उन्होंने ये दिखा उन्होंने ये शो किया है ठीक है और उनके एक बेटे थे ठीक है वॉ ब्रैग एक डब्लू एच तो एक थे ब्रैग्स डब्ल्यू एच ब्रैग एक साइंटिस्ट थे वो और उनके एक बेटे थे ब्रैग उन्होंने मिलकर ये क्या किया है इसको ड्राइव किया है और उसके लिए उन्हें क्या किया था नोबल प्राइज भी मिला था ठीक है चलिए ये था आपका ब्रैक्लो इक्वेशन ठीक है बैक्सलो इक्वेशन बैग स्लो चलिए अब हम देखेंगे एक्स रे डिफ्रेक्शन टेक्निक्स क्या देखेंगे एक्स रे डिफ्रेक्शन टेक्निक्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए और आज की क्लास के लिए थैंक यू